हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आओ चलें आज हम सुनते हैं एक नई कहानी। तो सब लोग मेरे साथ सुनेंगे चंद फूट की कहानी। सीता और गीता नाम की दो बहनें थीं। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छी थीं, लेकिन सीता और गीता में बस एक फ़र्क था। सीता हेल्दी फूड खाती थी और गीता अनहेल्दी फूड, मतलब कि जंक फूड। सीता गीता की माँ उन्हें रोज पॉकेट मनी देती थी, जिससे सीता तो अपने पॉकेट मनी से अपना 50% पैसा जो है वो गुल्लक में डाल देती थी और 50% का फ्रूट या जूस पी लेती थी। पर गीता जाके बर्गर, पिज्जा या फिर अनहेल्दी खाने फूड खा लेती थी, जिससे उसका शरीर और उसका वेट बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे गीता के दांतों पर कीड़े भी लगने लगे, क्योंकि वो चॉकलेट भी बहुत खाती थी। एक बार की बात है, गीता सोई हुई थी और अचानक उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगी, माँ माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, माँ माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना सुन के सीता और उसकी माँ दौड़ के रूम में आती हैं और सीता की माँ कहती हैं कि गीता क्या हुआ, क्यों तुमको दर्द हो रहा है? तो गीता ने कहा, माँ पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ तुरंत उन लोग को हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर उन्हें देखते हैं। डॉक्टर पेट का चेकअप करने के बाद बताते हैं कि जंक फूड ज़्यादा खाने से पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण सीता को की बहन गीता को बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी और बहुत सारे सुई इंजेक्शन भी लगवाने पड़े। अब गीता को समझ में आ गया कि सीता हेल्दी फूड खाती थी और मैं हल्की फूड खाती थी, इसलिए मेरी इतनी तबीयत खराब हुई। और गीता कहती है, सीता मैं आज के बाद कभी भी बर्गर पिज्जा नहीं खाऊंगी, कभी भी मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारी तरह हेल्दी फूड खाऊंगी, मैं तुम्हारी तरह फ्रूट खाऊंगी। तो सीता और गीता दोनों हैप्पी हैप्पी हो जाती हैं और उसके बाद से गीता कभी भी अनहेल्दी फूड नहीं खाती, वो कभी भी जंक फूड नहीं खाती। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि हमें कौन से फूड खाने चाहिए? हेल्दी फूड खाने चाहिए और अनहेल्दी फूड नहीं खाने चाहिए। आप हफ्ते में एक दिन खा सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ खाना वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय बच्चों।